सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो पब्लिक डिमांड में या फिर हमारे सब्सक्राइबर के कहने पे हम लेके आए हैं अंडरटेकर का वीडियो। तो त्रिशूल भाई, आपके लिए ये वीडियो आ चुकी है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो आज हम अंडरटेकर के साथ खेलने वाले हैं गाइज। तो कैसा लग रहा है अंडरटेकर के साथ खेलने पे? अरे कहना क्या चाहते हो बताइएगा। तो इसका डैमेज है 8582 का और इसका हेल्थ है 2358 का। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इसका एक मूव है चॉक स्लैम, जो हमारा अपग्रेडेड नहीं है क्योंकि हमारे पास बैटल बक्स नहीं है। तो अभी इसका देख सकते हो प्रीव्यू आप, 519 का इसका डैमेज है। और हमारे पास दूसरा है लास्ट राइड, जिसका 653 का डैमेज है। तो आपने इसका सारा देख लिया है। और टोम स्टोन पाइल डाइवर जो 555 मतलब 555 का डैमेज लगाता है सबसे कम में। और चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, अपन मैच की तरफ चलते हैं। तो पहला मैच देख लेते हैं किसके खिलाफ मिलता है। तो पहले मैच में हमारे द फीनाम अंडरटेकर आ चुके हैं और सामने मिल गए हैं फीन्ड, द फीन्ड ब्रे वाइट, मतलब फीनाम वर्सेस फीन्ड हो गया है ये मैच। तो पर देखते हैं कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा धीरे का ताकत है। डार्क है, दोनों डार्क वर्ल्ड हैं। और उसने लगा दिया है डीडीटी, तो अंडरटेकर डीडीटी खा चुके हैं। और भाई ग्राउंड स्मैश भी लग गया है फीन्ड का, हमारा काउंटर भी काम नहीं आया। तो चल तो चलते हैं आगे, गलती की काम करते हैं। गलती को और लगाएंगे एल्बो स्ट्राइक, तो क्या हम लगा पाएंगे ग्राउंड स्मैश? नहीं, हमको काउंटर लग चुका और क्रॉस बॉडी, और हम क्रॉस बॉडी को रोकने गए थे और हमारा ये फिनिशर खराब हो गया। अरे यार क्या कर दिया मैंने ये, भाई आ गया स्वाद हमको, बिल्कुल स्वाद आ गया हमको। और हमको लग गई है क्लोज लाइन, और गलती के बाद फिर से क्लोज लाइन। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भाई दो बार क्लोज लाइन लग जीत गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। और इस बार भाई बहुत हुआ तुम्हारा क्रॉस बॉडी, हमारा एक फिनिशर खा चुके हो तुम क्रॉस बॉडी लगा के। और हमने गल्ट किक लगाई और लगाएंगे लास्ट राइड और उसी के साथ लगाएंगे फिनिशर, क्योंकि हमारा फिनिशर रेडी है। और भाई पहला राउंड ख़त्म करेंगे द फीन ब्रेवाइट को और बताएंगे भाई कि असली फियर हमारे पास है, मतलब हम है फियर फीनाम अंडरटेकर। तो फिर से हमको लग गई है लग गया काउंटर और हमारा ग्राउंड में स्मैश खराब हो गया है। आई एम श्योर वो लगाएगा फिनिशर, हाँ मेरे को पता था फिनिशर लगाएगा, नहीं लगाता तो गलती की कमाई लगाते, क्योंकि फिनिशर लगाता या तो फिर वो, चलो उसने लगा दिया स्टॉम्प। तो स्टॉम्प के सारे उसने भी एक पिन कर ली है, पर कोई नहीं। और यूरनोगी लग गई, भाई ये नहीं होना था यार, मजा नहीं आ रहा है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भाई बहुत सारा हेल्थ खा गया यूरनोगी प्लस ग्राउंड स्मैश, चलो कोई नहीं हम भी बराबर करेंगे। स्टॉम्प देंगे भाई स्टॉम्प, और पंचेज पंचेज, और भाई ये लो अब हम लगाएंगे फिनिशर अपना टूम स्टोन पाइल ड्राइवर, जिसके सामने कोई नहीं टिकता। और भाई पीछे जाके चॉक स्लैम की तैयारी करेंगे, क्योंकि आएगा तो ज़रूर लेकिन जाएगा कहीं और। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और ये हुआ मैच ख़त्म, और हमने बहुत ही सुपर तरीके से मैच जीत लिया है, बहुत ही इजली फिंड को हरा दिया है। तो ये रहे हमारे फीनाम अंडरटेकर, लो भाई। तो सेकेंड मैच की तरफ चलते हैं और देखते हैं सेकेंड मैच में कौन मिलता है। तो अभी जो न्यू चेंजेस हुए हैं एज स्टाइल के एंट्रेंस में, तो एज स्टाइल आ चुके हैं। ये देखो इनका एंट्रेंस, भाई ये पहले वाला एंट्रेंस ज़्यादा अच्छा था, ये एंट्रेंस ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। गजब बेइज्जती है, ये अजीब सा एंट्रेंस है, ये किसी और रोस्टर का एंट्रेंस लगता है। अंडरटेकर का तो मस्त है भाई, एक नंबर। और चलते हैं स्टार्ट करते हैं काउंटर से,
और उसने पंच कर दिया भाई, और स्पाइनिंग डिस लगाने की कोशिश की थी, पर हम लगाएंगे ग्राउंड स्मैश, और स्पाइनिंग डिस अब लगाएगा नहीं बंदा कुछ देर तक, और स्टाम्प लगा दिया हमने कुछ देर तक, अब ये स्पाइनिंग डिस नहीं लगाएगा मेरे को मालूम है, क्योंकि इसकी स्पाइनिंग डिस ख़त्म हो गई है भाई। तो हमको लगा दिया वॉल स्मैश, हमारा नेट नहीं चल रहा है गाइस, जिसके कारण से हमारा मैच फंस रहा है और मे बी हम हार भी सकते हैं। और फिर से हमको लग गई वॉल स्मैश, और पता नहीं कितनी बार लगा चुका है, बट हमको पता नहीं लास्ट राइड लगेगी कि नहीं लगेगी, आई डोंट नो। मेरा फिनिशर लग गया, मैं लास्ट राइड लगाया था, पता नहीं काउंटर कैसे लग गया, और अब लगा दिया स्पाइनिंग विस, बहुत देर बाद यूज़ किया, पता नहीं बीच में यूज़ किया कि नहीं, क्योंकि नेट हमारा चल नहीं रहा, और भाई लगा दिया है फिनोमिनल ब्लिस, और उठा के पिकअप किया और ख़त्म, पहली पिन कर ली है एज स्टाइल ने, और हम गए थे लास्ट राइड लगाने, और फिर से हमको लग गई है फिनोमिनल ब्लिस। और भाई ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ, मजा नहीं आ रहा है, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पीटे ही जा रहा है भाई, अभी तो हमको चांस ही नहीं दे रहा है, और गल्ट किक, हमको एक मौका जिससे हम फिनिशर लगा सकें, और लगा दिया फिनिशर हमने, आए थे हमको लगाने स्टाइल फ्लैश, और खा गए हैं फिनिशर, और अभी हम पीछे हैं गाइस, क्योंकि फिर से हमारी लास्ट राइड रह गई, फिर से मिस लगा दिया उसने, तो मे बी वो पहली पिन कर लेगा, लेकिन अब करने देंगे नहीं, चॉक स्लैम लगाएंगे, और जो बचेगा उसमें स्टॉम्प, तो पहले की पिन हम करेंगे गाइस। तो क्या नाचो भाई? करने तो देंगे नहीं भाई, हालांकि कर सकता है वो, कर लेगा, पर इतना जल्दी तो नहीं करने देंगे यार, क्योंकि आपको ही पता है फिना में भाई बेइज्जती हो जाएगी। और क्या हो रहा है, नेट भाई, मार गया, मैं हार गया भाई, कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, और फिर से ग्राउंड स्मैश, और फिनिशर लगाएंगे, और भाई उतने में ही मैंने मैच ख़त्म कर दिया, देख रहे हो, मतलब नेट अटक रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा, उन्होंने मैच ख़त्म कर दिया भाई, उतने में ही मैच, उतनी हेल्थ में मैंने मैच ख़त्म कर दिया, देख रहे हो, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, ओ भाई मारो मुझे मार, ये भाई फिनाम की पावर, मतलब नेट नहीं चल रहा था फिर भी, और कोई बंदा होता तो मैं हार जाता, बिल्कुल हार जाता भाई, फिनाम अंडरटेकर की ताकत ही अलग है भाई। तो अगले मैच में चलते हैं, और फिनाम आ चुके हैं, और सामने भी फिनाम अंडरटेकर ही मिला है, तो अभी मैच टक्कर का होगा, मतलब बराबर का मैच होगा, जो ज़्यादा एग्जीक्यूट कर पाएगा वही जीतेगा, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी एग्जीक्यूट करने की, जल्दी फिनिशर और जल्दी मूव्स लगाने की, लेकिन लगा नहीं पाए, पर अभी हमको चांस मिला है, जितना ज़्यादा काउंटर यूज कर सकूँ तो कर लूँ भाई, क्योंकि सेम पावर और सेम मूव के साथ हम लोग आ गए हैं। और उसने लगाया था ग्रैपल, और हमने लगा दिया भाई काउंटर, काउंटर साथ ग्राउंड स्मैश, तो अभी हम एडवांटेज ले रहे हैं, जो जल्दी फिनिशर लगाएगा वही आगे बढ़ेगा। मेरा काउंटर फिर नहीं लगा भाई, ये क्या, अभी कब ये ख़त्म हो गई, अच्छा थोड़ी नेट ख़राब है, कोई नहीं, अब हम लगाएंगे, लेकिन हमारा लगा नहीं चॉक स्लैम, और उसने लगा दिया फिनिशर, हम पहले फिनिशर यूज करने वाले थे, लेकिन हमारे लग गए हैं, उसने फिनिशर पहले यूज़ कर लिया है, और ज़्यादा इतनी हेल्थ खाई थी उतनी से ज़्यादा कम हो गई हेल्थ हमारी, और हम लगाएंगे फिनिशर गाइस, क्योंकि लेट हो जाएगा फिनिशर फिर तो, और फिनिशर लगाएंगे और पीछे जाके चॉक स्लैम की तैयारी करेंगे, और उसके पहले स्टॉम्प लगा लेते हैं यार, गल्ट किक लगाते हैं, नहीं लगाएंगे यार चॉक स्लैम बाद में, रामी मानुस दो दिल में पलट गया, वाह, गल्ट किक लगा लेते हैं, और क्या चॉक स्लैम लगेगा, नहीं, लास्ट राइड बराबर अच्छा किया यार, एंड टाइम पे चेंज कर दिया, ये तो चॉक स्लैम खराब हो जाता, अभी चॉक स्लैम लगेगा गाइस, और लग भी गया है, और ये क्या काउंटर लगेगा, नहीं लगेगा, काउंटर नहीं लगा उसने भाई, दिमाग लगा के खिलाए, और काउंटर पे काउंटर, चलो हमने लगा दिया पंच, फिर से काउंटर पे काउंटर, ओ भाई उसने लगा दिया एल्बो स्ट्राइक, और लगा दिया फिनिशर टूम स्टोन पाइल ड्राइवर, लो भाई क्या चॉक स्लैम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और हम ख़त्म करेंगे पहली पिन, तो पहली पिन हमने ख़त्म कर ली है, अभी उसने पहली पिन ख़त्म नहीं की है,
तो इसका एडवांटेज है मेरे पास। लेकिन अरे यार नेवर नो यार, क्योंकि उसके पास भी इतनी सारी हेल्थ। भाई मारो मुझे, मारो इतनी, मुझे नहीं लगा था रास्ट राइड उसका भाई अपग्रेडेड है अंडरटेकर। मैं भाई मैं पागल हूँ जो मैं आया हूँ इस मैच में। भाई देख रहा हूँ, ये देखो लास्ट राइड की पावर। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। भाई उसका अपग्रेडेड है भाई, इसको जल्दी मारो भाई, ये जीत जाएगा भाई क्योंकि उसका अपग्रेडेड है भाई। ओ भाई चलो फिनिशर लगाते हैं और उसके साथ लगाएंगे ग्राउंड स्मैश। उसका अपग्रेडेड है अंडरटेकर क्योंकि उसका लास्ट राइड का डैमेज देख रहे हो। और हम लगाएंगे चॉक स्लैम, तो हमारा कॉम्बो अच्छा खासा बैठ गया है। और भाई देख रहे हो डैमेज अंडरटेकर का। भाई अगर ग्रेटेड होता तो और ज़्यादा होता, लेकिन उसने लगा दिया है वॉल पे, हमको फेंक दिया काउंटर लगा के, और लगा दिया है टूम स्टोन पाइल ड्राइवर। और भाई अपग्रेडेड है इसका, देख रहे हो इसका डैमेज देखो ज़्यादा है मेरे से भाई। ग्राउंड स्मैश, वो भाई चॉक स्लैम खत्म खत्म। बाय बाय टाटा, गुड बाय गया टाटा, बाय बाय गया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पर अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त, अभी हम लगाएंगे फटाक से जाके इस फिनिशर। और भाई खत्म, हमको मिल गया मौका, मैंने बोला था जो भी ज़्यादा एग्जीक्यूट करेगा वही जीतेगा। और हमारा अभी चॉक स्लैम नहीं लगेगा कोई नहीं। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना गाइस। थैंक यू वंस अगेन, लव यू।